चार व्यक्तियों में अलग अलग विचार हैं, अलग अलग थॉट्स हैं। आपने सोचा कभी कि आपके घर में क्यों अशांति है, क्यों गुड एनर्जी नहीं है? और कभी कभी किसी घर में मंदिर से जैसी, मंदिर से भी अच्छी गुड एनर्जी है। आप किसी टेंपल में दर्शन करने जाते हैं, किसी आश्रम में जाते हैं, किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं, कहीं कोई माता जी का जागरण हो रहा है, कहीं कोई महापुरुष संत कथा कर रहे हैं, वहां जाते हैं, तो वहां कब आप रम जाते हैं। आपको लगता है क्या शांति, क्या बात, क्या वातावरण। किसी शक्तिपीठ में जाते हैं तो वहां का वातावरण आपको अच्छा कैसे लगने लग गया, क्या हुआ वहां पे, कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा जादू आपने देखा कि वहां जितने भी लोग जाते हैं सब ईश्वर का नाम ले रहे हैं, सब भगवान का नाम ले रहे हैं। सुबह से शाम तक वहां मंत्रों उच्चारण होता है, कीर्तन होता है, संकीर्तन होता है, घंटा वादन होता है, शंख ध्वनि होती है सुबह से शाम तक। और कुछ मंदिर जैसे ऐसे भी हैं जो 24 आवर खुले रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो शाम को रात को बंद हो जाते हैं, वहां कोई नहीं होता है। सुबह जैसे ही मंदिर के द्वार खुलते हैं फिर वही शांति, वही रूहानियत का वातावरण, वही अलौकिक वातावरण। और मंत्रोच्चारण कौन करता है? आप करते हो। शंख ध्वनि कौन करता है? आप करते हो। संकीर्तन कौन करता है? आप करते हो। आप परिवार के साथ भी गए हो, जब आप टेंपल में जाते हो तब आप बिल्कुल अलग थलग से हो जाते हो। जो शरारत करने वाला बच्चा होता है वो भी भगवान के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। तो शक्ति किसके पास हुई? आपके पास हुई। जैसे ही आपका इंटरनल चेंज होता है आपकी ओरा दूसरी बदल जाती है, आप दूसरे हो जाते हो। इसी तरह से दोस्तों आप घर में वापस आते हो, कुछ क्षणों के लिए वही स्थिति होती है, फिर वो स्थिति आपकी बदलने लगती है।